बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 4 फ्रॉम कोर्स बुक। चैप्टर नेम इज स्टंट्स एंड मेकअप। ओपन पेज नंबर 44। राइट द डेट एंड द डे। चैप्टर नेम स्टंट्स एंड मेकअप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टंट्स? स्टंट्स मीन कर्तबबाजी एंड मेकअप मीन्स डिफरेंट थिंग्स वी वेयर टू चेंज आर आउटलुक। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम वेयर करते हैं जिससे लुक चेंज हो जाता है। दिस यूनिट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एज इट विल टेल अस और एक्सप्लेन अस हाउ डिफरेंट स्टंट्स आर परफॉर्म इन डिफरेंट मूवीज। इस चैप्टर से हमें बहुत सारी मालूमात हासिल हो सकती है कि जो भी स्टंट्स होते हैं, जो भी करतब दिखाए जाते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 45। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हैव यू सीन फिल्म्स इन विच कैरेक्टर्स जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फॉल आउट ऑफ अ स्पीडिंग कार? क्या आपने फिल्में देखी हैं जिसमें किरदार ऊंची इमारत से छलांग लगाते हैं या फिर तेज़ रफ्तार गाड़ी से बाहर गिरते हैं और क्लिंग ऑन टू अ हेलीकॉप्टर इन द स्काई या फिर आसमान पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लिपटे हुए होते हैं? क्लिंग मतलब होता है लिपटना। हाउ डू यू थिंक दे परफॉर्म सच एक्ट्स? आप क्या सोचते हैं कि ये जो स्टंट्स होते हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं? चेक कर लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, डिड यू नो दैट मोस्ट ऑफ दीज एक्ट्स आर नॉट परफॉर्म बाय योर फेवरेट एक्टर्स? क्या आप जानते हैं कि इसमें से बहुत सारे एक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके फेवरेट एक्टर नहीं करते? एक्टर भी किरदार को कहा जाता है। हु एक्चुअली डज देम? असल में उन्हें कौन करता है? स्टंट मैन और स्टंट वुमेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो कुछ भी फिल्म्स में देखते हैं, मतलब जो भी एक्ट्स परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो बिल्डिंग से गिरना हो या फिर जो है कार से गिरना हो या फिर किसी हेलीकॉप्टर से, उड़ते हेलीकॉप्टर से लिपटना हो, ये सारे काम कौन करता है? स्टंट वूमेन मतलब करतब दिखाने वाला आदमी या फिर करतब दिखाने वाली औरत, या फिर वो मैन होता है या फिर वुमेन होती है। दे आर मैन एंड वुमेन हु हैव ट्रेन देमसेल्व्स टू डू डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट टास्क विदाउट हर्टिंग देमसेल्व। ये वो मर्द और औरतें होती हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रेन किया होता है। ट्रेन मतलब अपने आप को इस काबिल किया होता है या फिर सिखाया होता है कि वो कर सकें डेंजरस मतलब होता है ख़तरनाक और डिफ़िकल्ट मतलब होता है मुश्किल, टास्क मतलब कोई काम, ताकि वो कर सकें कोई ख़तरनाक और मुश्किल काम विदाउट हर्टिंग देम, बिना किसी नुकसान के या बिना अपने आप को हर्ट करते हुए। दे कैन जंप आउट ऑफ अ टॉल बिल्डिंग और अ स्पीडिंग कार। वो किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा सकते हैं या फिर किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी से बाहर आ सकते हैं। वॉक थ्रू अ बिल्डिंग दैट इज़ ऑन फायर, या फिर वो ऐसी बिल्डिंग से गुजर सकते हैं जहाँ पर आग लगी हो। आर ड्राइव अ कार दैट इज़ इन फ्लेम्स, या फिर ऐसी गाड़ी चलाते हैं जो कि आग के शोलों में हो। दे कैन इवन सेट फायर टू देमसेल्व्स, यहाँ तक कि वो अपने आप को आग लगा सकते हैं एंड स्टिल बी अनहार्म, और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता। स्टंट मैन एंड वुमेन आर यूज्ड इन मूवीज, ऐसे करतब दिखाने वाले मर्दों और औरतों को फिल्मों में, मूवीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन द एक्टर्स हैव टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वेरी डेंजरस, जब अदाकारों को ऐसा काम करना पड़ जाए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो। एवरी स्टंट इज़ वेरी केयरफुली प्लान्ड बिफोर फिल्मिंग एंड मस्ट बी एज सेफ एज पॉसिबल। हर करतब को करने से पहले उसे बहुत अच्छे से प्लान किया जाता है, तरतीब दी जाती है फिल्म से पहले, और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि वो हर तरह से सेफ हो। स्टंट मैन एंड स्टंट वुमेन वेयर द सेम क्लोथ्स
एंड मेकअप एज द स्टार दे वर्क विथ। करतब दिखाने वाले मर्दों और औरतों ने वैसे ही कपड़े पहने होते हैं और वैसे ही मेकअप किया होता है जैसा कि उस फिल्म के किरदारों ने पहना होता है। दे आर यूजली फिल्म सो दैट देयर फेसेस आर नॉट सीन वेरी क्लियरली। अक्सर उन्हें ऐसे फिल्माया होता है कि उनके चेहरे बिल्कुल क्लियर या वाजे नहीं होते। दे वेयर स्पेशल क्लॉथ्स। वेयर कहते हैं पहनने को, स्पेशल मतलब ख़ास। उन्होंने बहुत ख़ास लिबास पहना होता है दैट विल नॉट कैच फायर, जो कि आग नहीं पकड़ सकते। इफ़ दे आर टू बी फिल्म इन अ बर्निंग बिल्डिंग, अगर उन्हें आग लगी हुई इमारत में फिल्माया जा रहा हो। दे ऑफन वेयर पैडिंग अंडर देयर क्लॉथ्स। पैडिंग कहा जाता है कोई ऐसी कंफर्टेबल या नरम चीज़ जो कि आपके अंडर क्लॉथ्स हो, आपके लिबास के अंदर हो, सो दैट दे डू नॉट हर्ट देम सेल्फ, जिससे जो है वो आप जख्मी ना हो सकें। वैन दे फॉल फ्रॉम समथिंग लाइक अ हॉर्स और अ मूविंग कार, जब वो किसी बिल्डिंग से गिर रहे हों, फॉर एग्जाम्पल या किसी घोड़े से या फिर किसी चलती हुई गाड़ी से। देयर गन्स आर नॉट रियल गन्स, उनकी बंदूकें असली बंदूकें नहीं होती। रियल मीन होता है असली। एंड देयर नाइव्स आर यूजली मेड ऑफ रबर, और उनके चाकू रबड़ के बने होते हैं। सो दैट दे बैंड वैन somebody इज स्टैब, स्टैब कहते हैं हमले को, ताकि वो चाकू मुड़ जाए जब किसी एक्टर पर हमला किया जाए, किसी भी स्टंट वूमेन या फिर स्टंट मैन पर। जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसके लिए अक्सर नकली बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है और नकली चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी भी अदाकार को, किसी भी स्टंट वूमेन या फिर मैन को कोई नुकसान ना पहुंचे। स्टंट मैन हु फॉल फ्रॉम द बिल्डिंग फॉल ऑन टू समथिंग सॉफ्ट। करतब दिखाने वाले ऐसे मर्द जो कि ऊंची इमारतों से छलांग लगाते हैं, वो किसी ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नरम होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक स्टंट मैन ऊपर ऊंची इमारत से छलांग लगा रहा है और नीचे लोगों ने एक किसी ऐसी चीज़ को पकड़ा हुआ है ताकि जो है स्टंट मैन को कोई इंजर्ड ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे। विच यू डोंट सी इन द फाइनल फिल्म, और ये जो चीज़ इन्होंने पकड़ी हुई होती है उसको बचाने के लिए स्टंट मैन को, वो चीज़ फाइनल फिल्म में नहीं दिखाई जाती। ऑफ कोर्स द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट लुक्स रियल, असल वजह ये होती है कि जो चीज़ फिल्म में दिखाई जा रही है वो असली मालूम हो। सम स्टार डू देयर ऑन स्टंट्स, कुछ अदाकार ऐसे होते हैं जो कि अपने करतब खुद डिसाइड करते हैं, खुद करना पसंद करते हैं। ऑल थ्रो अगरचा फिल्म कंपनीज वुड प्रेफर दैट दे डिड नॉट, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं फिल्म बनाने वाली जो कि इस चीज़ को तरजीह नहीं देती कि वो ऐसे स्टंट्स करें, मतलब या तो ऊपर बिल्डिंग से गिरना या फिर किसी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना या फिर किसी गाड़ी से बाहर गिरना। द डायरेक्टर डज नॉट वॉन्ट हिज स्टार टू गेट हर्ट, और डायरेक्टर नहीं चाहता कि उसका अदाकार ज़ख्मी हो। इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर द फिल्म, क्योंकि ये फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेट्स टर्न द पेज नंबर 46। इन फिल्म्स हैव यू सीन यंग एक्टर्स प्लेइंग द रोल्स ऑफ ओल्ड पर्सन्स, फिल्मों में क्या आपने देखा है नौजवान अदाकार रोल प्ले करते हैं ओल्ड पर्सन का, मतलब एक बूढ़े शख्स का, और ऑल एक्टर्स प्लेइंग द रोल्स ऑफ यंग पर्सन्स, और बूढ़े अदाकार जो के रोल प्ले करते हैं नौजवान पर्सन का जो के नौजवानों की तरह काम करते हैं। द मेकअप आर्टिस्ट कैन चेंज अ नाइस लुकिंग एक्टर इन टू समवन वेरी फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग कहा जाता है खौफजदा, मतलब मेकअप करने वाले ऐसे आर्टिस्ट जो चेंज कर सकते हैं लुक को, मतलब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किसी यंग पर्सन को ओल्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा खौफजदा बना देते हैं, और अ ब्यूटीफुल यंग एक्ट्रेस इनटू एन ओल्ड वुमेन, या फिर किसी यंग एक्ट्रेस को, एक्ट्रेस मतलब अदाकारा, मतलब किसी खूबसूरत अच्छी अदाकारा को एक बुज़ुर्ग का लुक दे देते हैं। रबर मास्क आर मेड फॉर एक्टर्स when it is necessary to make
मेजर चेंजेस टू देयर फेसेस। रबर मास्क बनाया गया है अदाकारों के लिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़्यादा चेंजिंग करने की चेहरों पर। विग्स, बियर्ड, मुस्टैचेस, फॉल्स, आईलैशेस। विग्स मतलब नकली बाल, बियर्ड मतलब दाढ़ी, मुस्टैचेस मतलब मूछें, फॉल्स आईलैशेस मतलब नकली पलकें, मतलब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑल दीज, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है एक किरदार को बनाने में। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक नौजवान को एक ओल्ड मैन का किरदार दिया जा रहा है, जिससे वो पहनकर, मास्क पहनकर वो क्या लगेगा, ओल्ड मैन लगेगा। इट इज़ इवन पॉसिबल टू मेक अ मैन लुक लाइक अ वूमेन एंड अ वूमेन लुक लाइक अ मैन। यहाँ तक कि ऐसा भी मुमकिन है कि एक आदमी को औरत का लुक दे दिया जाए और औरत को एक आदमी का लुक दे दिया जाए। ये सब कौन कर सकता है? एक मेकअप आर्टिस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया होगा। एंड टू रीड वन, हियर वी हैव टू क्वेश्चंस। लुक एट द क्वेश्चन नंबर वन। स्टंट मैन एंड स्टंट वुमेन आर पीपल हु, करतब दिखाने वाले मर्द और करतब दिखाने वाली औरत कौन लोग होते हैं? आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, आपने टिक करना है कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ट्रेन एक्टर्स टू डू डिफिकल्ट एक्ट्स विदाउट हर्टिंग देमसेल्व्स। करतब दिखाने वाले मर्द और करतब दिखाने वाली औरत वो लोग होते हैं जो कि ट्रेन करते हैं एक्टर्स को, के अदाकार को, कि जो कि डिफ़िकल्ट एक्ट्स होते हैं उन्हें कर सकें बिना किसी नुकसान पहुंचाए। ऑप्शन बी, कैन डू डिफ़िकल्ट एक्ट्स विदाउट हर्टिंग देमसेल्व्स, या फिर वो ये काम कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। करेक्ट ऑप्शन है बी, आपने बी पे टिक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हियर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ स्टंट मैन एंड स्टंट वुमेन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हाइल परफॉर्मिंग स्टंट्स। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करतब दिखाने वाले मर्द और करतब दिखाने वाली ख्वातीन अपने आप को महफूज रख सकते हैं परफॉर्म करते हुए स्टंट। सम ऑफ देम आर ट्रू एंड सम फॉल्स। यहाँ पर कुछ ट्रू हैं और कुछ फॉल्स हैं, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं और कुछ ठीक हैं। राइट टी अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट, आपने टी लिखना है जो कि स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन ए, दे वेयर द सेम क्लॉथ एज ए स्टार, वो बिल्कुल स्टार की तरह कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन बी, दे वेयर स्पेशल क्लॉथ दैट विल नॉट कैच फायर, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे लिबास पहनते हैं जो आग नहीं पकड़ सकते। इट्स राइट, तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। ऑप्शन सी, दे वेयर पैडिंग अंडर देयर क्लॉथ्स, वो अपने लिबास के अंदर ऐसी चीज़ रखते हैं जो कि बहुत नरम होती है जिससे उन्हें नुकसान नहीं पहुँच सकता। तो ये भी राइट है, आप ट्रू लिखेंगे। ऑप्शन डी, दे वेयर द सेम मेकअप एज द स्टार, वो बिल्कुल वैसा ही मेकअप करते हैं जैसा कि स्टार ने किया होता है। ऑप्शन ई, दे डू नॉट यूज़ रियल गन्स एंड नाइव्स, वो करतब करते हुए असली चाकू और बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो ये भी राइट है, आप ट्रू लिखेंगे। एफ़, दे गेट हर्ट व्हेन फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, और वो ज़ख्मी हो जाते हैं जब वो ऊंची इमारतों से नीचे गिरते हैं। जी, दे वेयर रबर मास्क, या फिर जो है वो रबर मास्क का यूज़ करते हैं। तो इनमें से वो स्टेटमेंट पे आपने ट्रू लिखना था जिससे स्टंट मैन और स्टंट वुमेन जो है स्टंट करते हुए अपने आप को महफूज रखते हैं, उन ऑप्शन पे आपने ट्रू लिखना था। तो यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म होती है, अब आपने यहाँ तक काम मुकम्मल कर लेना है। नंबर 47 लर्न वर्ड्स का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स गिवन बिलो आर कॉमनली यूज्ड टुगेदर पुट अ टेक इन द करेक्ट कॉलम। इनमें से कौन से सिफ्त हैं और कौन से इसम हैं, आपने टिक करने हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। नीचे कॉलम दिया गया है जो करेक्ट हैं, आपने वहाँ पर टिक लगाना है। आपके पास ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्डिंग, पर्सन, बियर्ड, फिल्म और नाइफ, और नीचे उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है और नाउन क्या होता है। एडजेक्टिव, इसमें सिर्फ मतलब किसी चीज़ के बारे में अच्छाई या फिर उसके बारे में बुराई या क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में बताया गया हो, वो आपके पास होता है एडजेक्टिव। नाउन, किसी भी नाम
चीज जगह के बारे में बताया जाए उसे क्या कहा जाता है, इसम। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास टॉल मतलब लंबा, बिल्डिंग लंबी होती है, दोनों कॉमनली यूज है, नाउन भी है एडजेक्टिव भी है। आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। पर्सन, पर्सन एक इसम भी है नाम, और उसकी खासियत भी है, अच्छाई बुराई दोनों होती हैं, आपने टिक लगाना है। बियर्ड, बियर्ड ना एडजेक्टिव है ना नाउन है। फिल्म, ना एडजेक्टिव है ना नाउन है। नाइफ, ना एडजेक्टिव है ना नाउन है, आपने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना। इसी तरह डेंजरस, खतरनाक, बिल्डिंग खतरनाक नहीं होती है, ये नाउन और एडजेक्टिव नहीं है। पर्सन खतरनाक हो सकता है, टिक लगाएंगे। बियर्ड नहीं है। फिल्म और नाइफ, इसी तरीके से ये ख़तरनाक नहीं है मतलब ये डेंजरस नहीं है, तो आप यहाँ पे मतलब ये वो चीज़ें हैं जो दोनों नाउन और एडजेक्टिव नहीं हैं, आपने उसको भी मद्देनजर रखना है, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे टिक लगाना है। इसी तरीके से नीचे डिफ़िकल्ट, रियल, एक्सपेंसिव बताया गया है, आपने इसी के मुताबिक यहाँ पे टिक एंड क्रॉस लगाना है, और इसी की प्रैक्टिस भी करनी है कि आपने एडजेक्टिव और नाउन को देखते हुए यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू। वी कैन यूज़ द वर्ड इंटरटेनर टू मीन एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स एंड म्यूजिशंस। मतलब हम ये वर्ड इंटरटेनर का कब यूज़ करते हैं, जब एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स एंड म्यूजिशन के बारे में बात हो। क्वेश्चन है, फाइंड वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मतलब आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना है जो अंडरलाइन किए गए हैं, उन सबको मिलाकर एक ही वर्ड बने। एग्जांपल, डू यू हैव एनी बेड्स, टेबल्स, चेयर्स, कवर्ड एक्सेट्रा इन योर हाउस। तो मतलब उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास बेड, टेबल, चेयर और कबर्ड है आपके घर में, तो मतलब इन सब जो अंडरलाइन वर्ड हैं इनको एक मीनिंग दिया जाएगा, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो इन सब के लिए यूज़ हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर, मतलब फर्नीचर से सब चीज़ें बनी होंगी, बेड, टेबल, चेयर और कबर्ड। इसी तरीके से आपके पास नीचे कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए सबको एक वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट है क्रॉस, बुलबुल्स, स्पैरोज एंड वेनास बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्री इन माय गार्डन। मतलब कौवा, बुलबुल, कबूतर और मैना ने अपना नेस्ट बनाया है मेरे गार्डन के दरख्त पर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इन सब के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, बर्ड्स, मतलब ये सब क्या है हमारे पास, परिंदे। सेकेंड, आई लाइक रोजेस, जैस्मिन्स, सनफ्लावर्स एंड डहलियस। तो मतलब इन सब रोजेस से पता चल रहा है कि फूलों के बारे में बात हो रही है, तो इन सब को क्या कहा जाता है, फ्लावर्स, तो आपने यहाँ लिखना है फ्लावर्स। थर्ड, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय, मैं मार्केट गई, बाजार गई, वहाँ से मैंने क्या ख़रीदा, पोटैटोज, टोमेटोज, कैबेज, कैरेट्स एंड कॉलीफ्लावर्स। तो पोटैटोज, टोमेटोज से पता चल रहा है कि वेजिटेबल के बारे में बात की जा रही है, तो हम सबको एक एक नाम नहीं देंगे, हम पूरा इन सबको एक ही नाम देंगे, वेजिटेबल्स, सब्जियां। फोर्थ है आपके पास, आई पैक द शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स इन माय सूटकेस। तो शर्ट से पता चल रहा है, शर्ट ट्राउजर से, तो कपड़ों की बात की जा रही है कि मैंने पैक किए हैं शर्ट, ट्राउज़र, टी शर्ट एंड शॉर्ट सूटकेस में। तो इन सब के लिए एक वर्ड यूज़ करना है, हम अलग अलग नहीं बताएंगे, एक ही वर्ड क्या होगा, क्लॉथ, कपड़े, क्योंकि ये सब कपड़े हैं तो हम क्लॉथ यूज़ करेंगे, क्लॉथेस, बहुत सारे कपड़ों की बात हो रही है। फिफ्थ, द शॉप ऑपोजिट आवर हाउस सेल्स स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस एंड बायफोकल्स। मेरे घर के ऑपोजिट साइड पर शॉप है जो सेल करते हैं सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, से पता चल रहा है कि ये यहाँ पर ग्लासेस की बात हो रही है, बायफोकल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑप्टिकल एसेसरीज, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ग्लासेस मतलब चश्मे वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक, पेज नंबर 48, राइट द डेट एंड द डे। आई होप कि आपने प्रीवियस वर्क कम्प्लीट कर लिया होगा।
तो अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं लर्न ग्रामर। आपके पास यहाँ पे ए और बी पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। ए पार्ट है लुक एट दी सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने उनको देखना है। फर्स्ट है द स्टंट मैन कैन जंप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। सेकंड है दे कैन सेट फायर टू देमसेल्फ। कैन इज यूज्ड हियर टू एक्सप्रेस व्हाट द स्टंट मैन आर एबल टू डू। नोटिस द वर्ड ऑर्डर इन द सेंटेंसेस। नीचे कॉलम दिया गया है, हम ऊपर वाले सेंटेंसेस का मतलब समझ लेते हैं कि उसमें हमें क्या बात कही जा रही है और क्या उसमें हमें समझना है। सबसे पहले द स्टंट मैन हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका मतलब है करतब दिखाने वाला आदमी या मर्द। कैन मतलब कर सकता। वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब जंप मतलब छलांग लगाना। करतब दिखाने वाला मर्द उछल सकता है, छलांग लगा सकता है एक लंबी इमारत से। और दूसरा सेंटेंस है दे कैन सेट फायर टू देमसेल्व्स, खुद को आग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने के लिए कैन को यूज़ करेंगे, मतलब जो काम वो कर सकता है। नेक्स्ट द मैन वर्ब आफ्टर कैन डज नॉट टेक एस ई एस डी और ई डी। मतलब हम मेन वर्ब जैसे जंप था उसके बाद हम ई एस और ई एस का इजाफा नहीं कर सकते। वी से ही कैन प्ले द वायलिन, माय फादर कैन रिपेयर वॉचेस। मतलब कि वो वायलिन को प्ले कर सकता है, चला सकता है। माय फादर कैन रिपेयर वॉचेस, और मेरे फादर घड़ियां रिपेयर करते हैं। तो ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेस नहीं लगाया, मतलब प्ले के आगे एस का यूज़ नहीं किया। इसी तरीके से यहाँ पे इट इज़ रॉन्ग टू से ही कैन प्लेस द वायलिन, ये रॉन्ग होगा क्योंकि हमने वर्ब के बाद एस का और ई एस का इजाफा नहीं करना। माई फादर कैन रिपेयर्स वॉचेस, तो यहाँ पर भी हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं जो कि आपको मीनिंगफुल बनानी है, यहाँ पर उसके मीनिंग नहीं दिए गए। तो आपको दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में कुछ इजाफा करना है, वो क्या है आपके पास। कैन पोलर बियर डैश रन अप टू 56 किलोमीटर एन आर। मतलब पोलर बियर रीच भागता है कितना, 56 किलोमीटर एक घंटे में। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, भाग सकता है, मतलब कैन का यूज़ करना है। नीचे देखिए आप पोलर बियर कैन रन अप टू 56 किलोमीटर एन आर, मतलब रीच भाग सकता है 56 किलोमीटर एक घंटे में। तो आपने जहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, कैन का यूज़ करना है। ये एग्जाम्पल थी। अब फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। कैमल्स डैश गो विदाउट वाटर फॉर मोर देन 10 डेज। ऊँट जो है वो रह सकता है पानी के बगैर कितने दिन, 10 डेज, 10 दिन। तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, कैन का यूज़ करना है। उसके बाद है पेंगुइन्स डैश लिव इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट। पेंगुइन्स कहाँ रह सकते हैं, कोल्ड वेदर में रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, कैन का यूज़ करेंगे। थर्ड लॉयन ईट 40 kg ऑफ मीट इन अ सिंगल मील। शेर जो है वो 40 किलोग्राम मतलब खाना खा सकता है अकेले। उसके बाद फोर्थ सम बर्ड्स डैश फ्लाई सिवल 100 किलोमीटर्स विदाउट रेस्टिंग। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि 100 किलोमीटर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं विदाउट आराम किए, मतलब बिना किसी रेस्ट के। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैन। उसके बाद है वेल्स डैश टॉक टू ईच अदर बाय साउंड्स वी कॉल वेल सॉन्ग्स। मतलब वेल एक दूसरे से आवाज़ों के ज़रिए बात कर सकती हैं जिसे हम वेल सॉन्ग कहते हैं। अब आपने इसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। वी ऑफन आस्क अदर अबाउट देयर एबिलिटीज़, वी आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस। कैन यू प्ले द वायलिन। सेकेंड कैन ही रिपेयर वॉचेस। नोटिस द डिफरेंट इन द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। मतलब हम जो है यहाँ पर किसी से पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस के तौर पर। कैन क्वेश्चन के तौर पर भी यूज़ होता है। कैन यू प्ले द वायलिन, क्या आप इस वायलिन को प्ले कर सकते हैं। सेकेंड कैन ही रिपेयर वॉचेस, क्या आप घड़ियाँ रिपेयर कर सकते हैं। नोटिस करते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको बताया गया है कि कैन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप पेज नंबर 49 पर आ जाइए।
49 पे स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट ही कैन प्ले द वायलिन। क्वेश्चन जब हम करेंगे कैन जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, कैन ही प्ले द वायलिन। पहले एच कैपिटल था ही के साथ और अब उसके बाद जब हमने क्वेश्चन किया है तो ही का एच जो है वो स्मॉल लेटर में आ गया। तो कैन यू प्ले द वायलिन मतलब हम यहाँ पर ये बताया जा रहा है, या तो हम बता सकते हैं कि वो काम वो कर सकता है या फिर हम किसी से सवाल पूछने के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लर्न स्पेलिंग। फाइव ऑफ द फॉलोइंग सिनेमा वर्ड्स हैव बीन मिसस्पेल्ड, कैन यू स्पॉट देम एंड राइट देयर करेक्ट स्पेलिंग्स। कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं जिसकी स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं, आपने उन्हें स्पॉट करना है मतलब उन्हें हाईलाइट करना है और उसकी स्पेलिंग को करेक्ट करना है। फर्स्ट देख लेते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर की स्पेलिंग देख लीजिए राइट है, आपने टिक करना है। प्लेबैक सिंगर राइट स्पेलिंग है, फिल्म मेकर राइट स्पेलिंग है, प्रोड्यूसर की स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपने इसकी स्पेलिंग PRODUCER करेक्ट करके लिखना है। एडिटर में ई लगा है लेकिन यहाँ पर ओ होता है EDITOR। नेक्स्ट है हीरोइन, हीरोइन की स्पेलिंग देखिए रॉन्ग है, HEROINE करेक्ट स्पेलिंग ये है। म्यूजिशियन की स्पेलिंग ठीक है, कैमरामैन की स्पेलिंग रॉन्ग है, कैमरा में देखें CAME यहाँ पर नहीं लगा हुआ, RAMAN तो यहाँ पे ई नहीं है तो आपने करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है CAMERAMAN कैमरामैन। नेक्स्ट है विलेन, विलेन की स्पेलिंग भी यहाँ पर रॉन्ग है, ए का मिसस्पेल्ड हुआ हुआ है तो यहाँ पे आपने ठीक करना है VILLAIN। तो ठीक है आपने ये बुक पे ही नीट एंड क्लीन काम करना है, जो स्पेलिंग रॉन्ग है उन्हें करेक्ट करके लिखना है। नाउ टर्न द पेज नंबर 51, पेज नंबर 50 की वर्किंग आपको बाद में करवाई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेज नंबर 51 पे लर्न टू लिसन। हियर आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स ऑन फिल्म मेकिंग, इन ईच स्टेटमेंट एन इम्पॉर्टेंट वर्ड इज मिसिंग, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ अ फिल्म इज मेड। फिल्म कैसी बनती है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है आपने उसको सुनना है। लर्न टू लिसन में आपको पता है कि यहाँ पे ऑडियो सुनाया जाता है, आप उसको सुनेंगे और उसके मुताबिक आपने नीचे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले आप उसे सुनिए और फिर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक समझाऊंगी। लर्न टू लिसन, लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ फिल्म इज मेड, देन फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। Do you know how a film is made? Filmmaking is very expensive because many people are involved in it. So you need a lot of money. Where does so much money come from? It is the film producer who finds the money for making the film. The most important part of filmmaking is the actual shooting. I'm not talking about shooting with guns or pistols. I'm talking about capturing the action with a camera, shooting with a camera. Let's see what the process of filmmaking is. To begin with, you need a story. Most stories, as you know, have very little dialogue in them. So you need a script writer who can write the dialogues based on the story. The big job is to turn the story into a film. Do you know who does this? The director. It is the director who controls the actor's actions. He tells them how to act. He also tells the cameraman what to shoot and how to shoot. You might wonder who chooses the actors for the film. If you think it is the director, you are not right. Usually, it is the producer. Often, you see many ordinary people in a film in addition to the actors. They do not have any important role to play in the film. They are often part of a crowd or group. Do you know what such people are called? They are called extras. आपने इस डिस्क्रिप्शन को गौर से सुनना है, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक समझा देती हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे फिलअप कर दी हैं लेकिन फिर भी आप इसे गौर से दोबारा सुनिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन डू यू हैव हियर। आपने फिल इन द ब्लैंक्स को कम्प्लीट करना है सूटेबल वर्ड से जो कि आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सुनी है। फर्स्ट है आपके पास द फर्स्ट
थिंग नेसेसरी फॉर फिल्म मेकिंग इज अ डैश। फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए कि आप किस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। सेकेंड, आ स्क्रिप्ट राइटर राइट्स द डैश बेस्ड ऑन द स्टोरी। स्टोरी के लिए, कहानी के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो किस शक्ल में होती है, वो एक पैराग्राफ की सूरत में होती है या फिर कोई सेंटेंसेस की सूरत में होती है या फिर डायलॉग्स की सूरत में होती है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में सुना होगा, तो यहाँ पर है ऑप्शन है डायलॉग्स, ठीक है। थर्ड है द डैश टर्न्स द स्टोरी इनटू अ फिल्म। जो फिल्म में जो टर्न्स आते हैं, जो भी एक्ट करने पड़ते हैं, वो कौन गाइड करता है, डायरेक्टर करता है। फोर्थ, द प्रोड्यूसर यूजली चूजेस द एक्टर्स। प्रोड्यूसर क्या करता है, एक्टर्स जो भी अदाकार होते हैं उसकी सिलेक्शन करता है। फिफ्थ, द ऑर्डिनरी पीपल हु एक्ट इन फिल्म्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रास। जो भी लोग पीछे होते हैं फिल्म के एक्ट के, जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी स्टंट करना है उसके लिए जो लोग लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्स्ट्रा पीपल कहलाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक तमाम काम समझ में आ गया होगा। अब आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम करना है और ये जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है ये आपके लिए होती है, आप इसे सुना करें ताकि आपको फिंदा ब्लैंक्स करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।